में हैप्पी एंडिंग 2019 रिव्यू एंड रिजोल्यूशन। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में हैप्पी एंडिंग 2019 रिव्यू एंड रिजोल्यूशन। यह वीडियो 4 से 5 मिनट की होगी, पूरा का पूरा जरूर देख लीजिएगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 2019, इसको कोई भी याद नहीं करता। मैंने इसको बोला हैप्पी एंडिंग, जिस तरह से कोई फिल्म आप देखते हैं तो उसको एंडिंग होती है हैप्पी एंडिंग, उसी तरह से इस 2019 का भी आप लोग हैप्पी एंडिंग कीजिए। और एंडिंग कीजिए इस बात को लेकर के आप इसका एक बार रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू मतलब क्या कि 2019 जो बीता, इसमें 12 महीने थे, इस 12 महीने में आपने क्या क्या सब चीज़ें हासिल किया और उस समय आपने क्या रिजोल्यूशन लिया था, मतलब क्या संकल्प लिया था, और क्या आप उस चीज़ को 2019 वाले चीज़ को क्या आप पा लिए तो कितना परसेंट पा लिए, अगर पूरा नहीं तो कितना परसेंट बचा हुआ है, उसी चीज़ को हम लोग पूरा करेंगे 2020 रिजोल्यूशन। तो 2020 अब आने वाली है, इसके लिए तो सबसे पहले तो आप लोग रिव्यू कर लीजिए, एक पेपर और पेन लीजिए, एक उसमें आप लिखिए क्या सब आपने किया उसमें, और कहाँ पे आपका टाइम बर्बाद हुआ, कहाँ पे आपका पैसा बर्बाद हुआ, और 2020 के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए। आज ही के दिन, आज ही वो इम्पोर्टेंट दिन है, क्योंकि कल से नया साल शुरू हो जाएगी, 2020 आ जाएगी, और ये 2019 आपके लिए कभी नहीं आएगी, दोबारा कभी नहीं आएगा। इसलिए आज के दिन को जरूर से जरूर याद कीजिए इस पूरे साल को, क्योंकि ये साल दोबारा कभी आपको नहीं आएगा। इसलिए आज का कल हैप्पी न्यू ईयर से ज़्यादा बेस्ट होगा, आज के लिए आप इसको रिव्यू कर लीजिए कि आपने 2019 में क्या सब चीज़ें हासिल किया। आइए हम बात करते हैं 2020 के रिजोल्यूशन के बारे में। इसके लिए जैसे कि संकल्प सभी लोग लेते हैं, दुनिया के सभी लोग जब नया साल आते हैं तो एक संकल्प लेते हैं कि हम 2020 में ये सब चीज़ें हासिल करेंगे। तो इसके लिए भी आप एक पेपर और पेन लीजिए, वहाँ पर लिखिए कि आपको 2020 में क्या चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, या फिर कुछ और चीज़ें जो आप हासिल करना चाहते हैं 2020 में, क्या वो हो पाएगी। तो इस रिजोल्यूशन को एक बहुत ही चौंकाने वाली फैक्ट ये है कि जितना भी 99.9% लोग जो रिजोल्यूशन लेते हैं, संकल्प लेते हैं नए साल के दिन, क्या आपको पता है कि इसका जो संकल्प है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 12 दिन तक ही चलता है। वो 12 जनवरी आते आते सब कुछ भूल जाते हैं और वो अपने पुराने लाइफ में ही जीने लगते हैं। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि 2019 में आपने जो भी गलती किया तो इसको 2020 में नहीं दोहराना है, उसको बस फाइंड आउट करना है कि हमने क्या सब गलती किया था, और उससे बस वापस आना है, उबर करके एक नया तरीका से ज़िंदगी जीनी है 2020 का। और ये जो आप कुछ भी रिजोल्यूशन लीजिए, कुछ भी इस संकल्प को आप ऐसा सोचिए कि हम पूरे 12 महीने तक इसमें लगे रहेंगे, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप पूरे 2020 एक साल का रिजोल्यूशन मत लीजिए, आप क्या लीजिए, आप सिर्फ एक महीना, आप एक बड़ा सा संकल्प लीजिए कि हमको 2020 में इतना सारा काम करना है, और इस पूरे काम को महीने वाइज मंथ वाइज आप पूरा बांट दीजिए। जैसे आपको पूरा मैथमेटिक्स को खत्म करना है, पूरा कॉम्पिटिटिव सिलेबस पूरा बना देना है, तो इसके लिए चलो 2020 का पूरा साल है, या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं उसके लिए सोच रहे हैं पूरा साल है, आप ऐसा मत सोचिए। आप इस पूरे रिजोल्यूशन को, आप अपने पूरे टारगेट को ये 12 महीने में बांट दीजिए। जनवरी 2020 के लिए ये रिजोल्यूशन, फरवरी 2020 के लिए ये रिजोल्यूशन, मार्च 2020 के लिए ये रिजोल्यूशन, और इस तरीके से आप अगर करते हैं तो आपका रिजोल्यूशन, आपका संकल्प कभी टूटेगा नहीं, इस बात की फुल गारंटी है। इसी बात के साथ इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, और हमने इस वीडियो को 4 से 5 मिनट के अंदर बिल्कुल ख़त्म किया। अब आते हैं हम अपनी बात, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, आपको तैयारी करनी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो इसके लिए आप हमारा मास्टर नोट्स को ले सकते हैं, और आप हमारे स्मार्ट वीडियो कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। घर बैठे आपकी 100% हो जाएगी तैयारी। आपको इसके बारे में कुछ और जानना है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो, हम आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।